बट आराम से करे बस। नाम लिखेंगे तो क्या लिखा है कि जिंदगी मौत हमारे हाथ में। ये लिखा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से काम, और जो भी हुआ अपनी मर्जी से, मर्जी से होगा। और अगर मेरा मोबाइल पानी के अंदर गिर जाता तो हम ढूंढ सकते हैं उसे? पहले बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, पता नहीं आप लोग मेरा मॉर्निंग में व्लॉग देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को मॉर्निंग कर रही हूँ। लेकिन मैं तो खैर मॉर्निंग में ही बनाती हूँ। आज इस्लामाबाद में हमारा सेकंड डे है और मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता करने के लिए। मैं कमरे से निकलते ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अभी मैंने फेस वॉश वगैरह किया, ब्रश किया, मैं सोचती हूँ स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैं अगर व्लॉग स्टार्ट नहीं करती ना तो व्लॉग की स्टार्टिंग ना मज़े की नहीं होती। लेकिन खैर आज का व्लॉग पूरा देखना है, हटाना नहीं है, क्योंकि आज व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। मम्मा जो है वो कपड़े प्रेस कर रही हैं और गाइस हम लोग तैयार हो रहे हैं, तैयार होके मिलते आप लोग को। मैं बता नहीं सकती मैं क्यों हंस रही हूँ। सो गाइस बाय गाइस, तैयार होकर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग आज, अच्छा हमने आया थे एक मिनट, व्लॉग में ज़रूरी होता है मुझे बोलना किसी ना किसी को, क्योंकि व्लॉग में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा होता है। ऐसी चला दे भाई, नहीं तो फिर मैं भी आपसे कुछ बोलूं कि आप अचानक ही शुरू हो जाती हैं तो बंदे को पता ही नहीं होता कि आप व्लॉग बना रहे हैं। अच्छा कम से कम सोचने वाली बात है ना कि कोई भी कुछ ना कुछ कर रहा होता है। बात हमने कहाँ से स्टार्ट करनी थी, यहाँ से स्टार्ट करनी थी। हमने कल जाना था खानपुर डैम, लेकिन उससे एक आगे की उससे अच्छी जगह, तो हमने वहाँ जाना था जो कि मैंने कल व्लॉग में बताया भी था, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए थे और हम लोग कहीं और चले गए। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं, है ना मम्मा? और हम लोग वहाँ पे जाके बड़ा ही मजे करने वाले हैं। पूरा व्लॉग देखना, स्किप नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है ना? आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, टोल टैक्स अदा करें। ये अच्छा पाकिस्तानी खावर ले भाई, खोल दे भाई, खुल गया। अब हम जा रहे हैं आगे। कितना शुरू अभी है? अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो फिर भी ये खुला रोड है आगे। एडवेंचर रिजॉर्ट। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, ऊपर एक बंदा हवा में उड़ा था, मैंने कहा नहीं उड़ना था। हमने जाना है इधर जब से गलत गलत लेके घूम रही हूँ मैं, अल्लाह तौबा, डर लग रहा है मुझे तो। हॉरर लोकेशन लग रही है ये तो भाई जान। अगर खावर यहाँ से टाइगर सामने आ गया सही कहा है, तो बंदर से इतना भाग रहे थे और अगर सामने जाहिर सी बात है जो होगा। ये नंबर क्यों लिखवाया, कुछ हो गया तो पीछे आपके वालिद साहब को कॉल जाएगी। ये तो इसी के पास कॉल आई। 500 का एक पास लिया वसूल ने किया ना, तो बस। और तुम्हारी गलती, तुम्हें हमें जल्दी लाना चाहिए था जब 500 का पास दो तो। तो यार मैंने कौन सा किया, आप चलते हैं यार। बंद कब होगा ये? तो शाम में ला रहा अम्मा, ये क्या बना रहे हो तुम? आयत की तरह। मैं तो खूब नहाने वाली हूँ भाई, मैं तो आसरा ही नहीं करना है भाई। 12 साल की है, आ जाओ आयत, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आयत क्या कर रही? नहीं, वही तो करना है। नहीं, तो रोप जो है वो मजबूत है जी, मजबूत है। अच्छा, मसला तो नहीं है, हुआ तो नहीं करवाएंगे, वेट चेक करते हैं पहले। यार कशिफ 100 ही है और पूरा 100 ही है। नहीं मतलब 100 से ऊपर हुआ तो कहते हैं नहीं यार, रिस्क ना लो। 100 से कम है इसका, ये आयत कर ले। 100 से कम है इसका, आप कर लो। कितने का है? नहीं तो बड़े नहीं कर सकते, हम भी तो किड्स हैं। मेरे किड्स हैं ना ये तीनों। चलो जी चलो, मैं इनकी किड्स हूँ। चलो नहीं 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 टूटे, मुझे उनके साथ नहीं चाहिए। नहीं नहीं अकेले जाना है, अकेले जाना है। खतरों के खिलाड़ी चैंपियंस।
अच्छा बात सुने गाइस, मैंने ले लिया है। क्या करने लगी आप कशिश? ये कितने घंटे का होता है? देख रहा हूँ वो आप 1500 रुपए में एक राउंड। कितना राउंड है भाई? राइडर बता देंगे। चलें ठीक है, मैं कोने तक जा सकती हूँ। कशिश प्लीज चुप, ये कराची नहीं है। कवर तो देख लो, बोल रहा है कराची नहीं है, ये कराची तो आया थी एक्साइटमेंट। नहीं मैंने सोचा पता चला अगर मैं गिर गई थे। नहीं नहीं गिरेंगी नहीं। लोग बोल रहे आया तुम बहुत फजूल बातें करती हो, थोड़ा अच्छा बोला करो। मैं फजूल तो फजूल ही बातें करूंगी। बात ही खत्म। अरे बाबू गिरी गिरी, अभी भी टाइम है। इसमें बैठ चुकी हूँ इस पे। अच्छा इतनी ब्रेक ब्रेक का कोई ऑप्शन नहीं है? ब्रेक वगैरह नहीं होती, ये रेस है। यार छोड़ेंगे ये स्लो हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है, और रेस रखेंगे तो ये चलता है। ठीक है ठीक हो गया, ये स्विच है इसका। हाँ ठीक है, और इसका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, आपने इसका तो बस पकड़ने का है ना फायदा? ये पकड़ने का। ठीक है ठीक है, आपके साथ भाई होंगे। ठीक है, आपको साथ साथ गाइड करेंगे। ठीक है हाँ हाँ हाँ। और जब आप, और अगर मेरा मोबाइल पानी के अंदर गिर जाता तो हम ढूंढ सकते हैं उसे? पहले बता रहे हैं पानी बहुत ज्यादा है, वापस आएंगे। आपने बिल्कुल स्लो करना है, ठीक है? बिल्कुल आराम से, मैं आपको इशारा करूंगा, आपने आराम से पार्किंग करनी है। और जैसे मैं आपको ऐसे इशारा करूंगा आपने स्विच ऑन आप कर देना, ठीक है? अगर डूब भी जाओ तो मोबाइल मत छोड़ना। ठीक है, कैसी फीलिंग्स है? डर लग रहा है। डर लग रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। कश्यप कैसी फीलिंग्स है एंडी आपकी? नहीं मुझे पता है, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे इस चीज से। यही चीज मैं चाहती हूँ, मेरी आयत में भी आ जाए कॉन्फिडेंस। अल्लाह का शुक्र है, यही चीज काफी दूर चली गई है, बहुत दूर चली गई है भाई। आराम से आराम से। स्टार्ट करें। वाओ कश्यप, क्या करने लगी हैं? मैं हवाओं में उड़ने जा रही हूँ यार, पैरासेलिंग। पैरासेलिंग? I am so excited क्योंकि मेरी जिंदगी का ख्वाब था कि मैं जल्द से जल्दी करूँ, बट मुझे कहीं कुछ मतलब कभी ऐसी जगह पे गई नहीं। हम लोग बहुत गलत टाइम पे आए, क्यों? लोगों को अगर आना चाहिए तो सुबह आना चाहिए ताकि वो नहाए भी, सारी चीजें भी करें। जैकेट प्लीज, पैसे आपको पकड़ने पड़ेंगे खबर साहब। ओके अल्लाह, जैकेट इतनी बहुत छोटी है जैकेट पूरी। ओ भाई भी हंस रहे हैं। ना जा रहा सिर्फ वीडियोस के लिए, खावर की हवा खुश कर, जो बंदा कॉकरोच से डरता है वो पानी में जाएगा अभी। ध्यान से डूब, मुझे लग रहा है मैं यहीं से गिर जाऊंगी। एक साइड हो गया कैसे यार, अम्मा लोग तो देख ही नहीं सकते मुझे। कोई बात बताओ, मेरे ब्लॉग में कोई फजूल बातें नहीं आ रही, पता है क्यों? क्योंकि मैं जब किसी से कोई सवाल करती हूँ तो खबर मुझे बोलते यार कश्यप प्लीज, कहते प्लीज यार प्लीज, क्योंकि मेरे ब्लॉग में ज्यादातर फजूल बातें ही होती है। ये तो सब कहेंगे, सब एग्री करेंगे इस चीज़। एग्री करें तो कमेंट्स बताएं, मैं फजूल बातें करती हूँ। मेरी स्नैप बनाओ, मुझे कश्मीर याद आ गया। ये देख कश्मीर याद आ गया, कश्मीर ऐसा ही है यार। आपने साइन करना होता है, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है जहाँ पे भी आप जाना
एडवेंचर करने जाएंगे ना जेब जो ना पैरासेल के लिए जो ना मस्ट है, आप अपना नाम लिखेंगे सीनियर सीन बैलेंस पर पसंद है जिंदगी बहुत हमारे हाथ में, ये लिख के है कि आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, जो भी हुआ अपनी मर्जी से होगा। यस चलो चलो साइन करो साइन करो यार, अगर मैं मर गई तो मेरी मम्मा तो इतना दूर है, कुछ भी नहीं होगा मैडम, अपना नाम लिखें सीनियर सीन बैलेंस नंबर और पर्सन का नाम ठीक है। बोला छोड़ दे यार, एक तो नेल्स लगाए हुए ना आपने, साइन कर रहे हैं मेरे बदले अकेला बंदा उड़ रहा है भाई यार, देखो अकेला बंदा उड़ रहा है, अकेला ही जाओगी आप भी, अकेली जाओगी मैं भी अकेली जाऊंगी, मेरी जिंदगी मौत इसके हाथ में, बोले बंद करो सारे, चलो जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता कश्यप, जाम जाम था एक्सपीरियंस का यार, पीछे आ जाए पीछे आ जाए पीछे आ जाए, हां बात बताओ मैं ऊपर फोन नहीं जा सकती, मुझे पता था यही कहना है क्योंकि आंटी ने बताया हुआ है कश्यप यही कहेगी, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी बनवा ली है भाई साहब, कोई बात नहीं, लेकिन कैसा था, डर लगा उतरते वक्त लगा ना, उतरते वक्त लगा ना, इस वीडियो मेरी बनी है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अच्छा इसका एक्सपीरियंस जो था ना बहुत अमेजिंग था, मैं ऊपर फोन ले जा सकती थी क्योंकि इसलिए ले जा सकती थी भाई, इसकी क्या गारंटी है कि वीडियो आएगी, हमारा रोज दिन का भाई कह रहे हैं थोड़ी देर तक वीडियो आ जाएगी पक्का, ये ना हम चले जाए भाई, क्या भाई गए भाई खत्म, हमारा रोज दिन काम होते पक्का ना, खबर आयत नहीं गई इन लोगों ने वैसे मेरा पैराशूट देखा नहीं होगा, जो बात है बोलिए माँ चलो गर्मी लग रही है, अल्लाह मेरी बच्ची इसको ये बेचारी हमारे साथ नहीं गई, लेकिन आई होप कि आप लोगों को बड़े मजे का लगा होगा यार, मतलब मजा आया होगा देखने में ही, वाओ मैंने अच्छा मैंने ये पानी की बोतल फेंक दी, नहीं मैंने कहा चल वो कैसा लगा मम्मा ऊपर जाके मैं फोन ले जा सकती थी, फिर लेके क्यों नहीं आई, जब मैं नीचे उतरी तो पता लगा फोन सही नहीं था क्योंकि जो राइट हैंड के नीचे का मतलब ना दोनों हाथों से बना था खींच के, ये जान ही नहीं होती, तो तुम्हारा वेट कितना था खावर और पता है मैं कैसे बैठी हुई थी, यू हरकते देखो इसकी, चांटा मार दूंगी एक जोर से, मुंह धो सकते हैं इससे, पूछ लो इससे मुंह धो सकते हैं, छोड़ो खावर यार कश्यप, हाँ ये कच्चे अमरूद पता है खांसी के लिए मुफीद होते हैं, अरे जला के खाते हैं मैया, पता कच्चे, अरे कच्चे अमरूद जला के खाते, अनार 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 है अम्मा, अरे ये अनार की अनार है, अमरूद है ना ये अनार है, मगर ये अनार है कि अमरूद है, एक ही दरख्त में दो फूल अमरूद है, ये घर बना हुआ है छोटी सी घर है, आयत हाँ तुम भूत ही लग रही है इसके, अच्छा कहीं तक नहीं जा रही, हटो क्या चीज़ हुआ, घर है
ये सीक्रेट है, ये तमाही नहीं करोगे? तुमने पहाड़ के अंदर बनाई है दुआ। हाँ तो वही तो मैं बात बताऊँ, मैंने आज एक यूनिक पौधा देखा जिसके अंदर इसको दाने निकले हैं, बट मुझे नहीं पता कि यह कौन सा पौधा, अगर आप लोग को पता तो आप लोग बताएं। अच्छा कुछ कुछ खराब से भी हो रहे हैं, मैम हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू थैंक फॉर लॉट। अरे भूख लग कचरा बना रहा, कचरा बना। एक बूमरंग बोला था उसको भी भूमिया बना दिया मुझे, बनाना है बूमरंग। जाते ही बस अम्मा को पैर गीले करने होते, बस पैर गीले कर लो, ठंडा पानी है। कहा भी था वहाँ चल लो, कहा कहा चल रहा था। एक तो इनके भी बहुत नखरे बने के जो एडिटर भाई उससे क्या करा, इनको भी खूब नखरे चाहिए। तो आपको भूख नहीं लगी हुई है? भूख मर जाती मैं वहाँ जाती तो भूख मर जाती। हम आप आराम आराम से आए, हम वहाँ तक जा रहे हैं। भाई क्या हो गया? इस पानी से गोरी होती की अब तो पूरी डुबकी मार के आएगी, अब तो पूरी डुबकी मार के आएगी। जन्नत मिर्दा गई थी, अली बंजुम गई थी, तो इसे उधर ही जाना है, उधर ही जाना है। मेरी महबूबा का नाम ले रहे थे। अच्छा सही हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और अब इतनी जोर से भूख लग रही है ना कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। और हमें इस्लामाबाद का बड़ा फेमस चीजियस खिलाने लाया, चीजियस। मम्मा यार बहुत भूख लग रही, भूख लग रही, जान निकल निकलेंगे हम, बोलो सुबह शाम। क्या कर रहे हो? अलग काटा ना, यही तो मचा रही थी। कपड़े आएगा ना, जब पिज्जा आएगा ऐसे उठाऊंगे, ऐसे रख के, सॉरी ऐसे रख। लेकिन हम हाथ से कहेंगे, मैं तो हाथ से, इसने तीन स्लाइस खाए हैं, इसने दो खाए हैं, हम तो ऐसे ही खाएंगे ना। हम तो क्या पता, मैं पिज्जे को कांटे छोटा कर। ये देखो कितना बड़ा है, ये कौन खाएगा? ये मैं कभी नहीं खाऊंगी, ये भी नहीं खाएंगे देखने नहीं लोग, ऐसा पागल हो गई है। तीन स्लाइस के नाइस यार, मैं हूँ ना दीदी, मैं खाने में मेरा बहुत नतीजा पड़ रहा है। आप लोग मुझे कुछ भी बोले, फूड इज लव, आई एम फूडी, मैं हूँ ना दीदी। थैंक यू, पहले बताओ मुझे कैसा है। अभी मैं गरीब हूँ, मुझे रॉबिन बास्किन जो भी है वो। तुम्हारी औकात है बास्किन रॉबिन? बेटा मेरी औकात जितनी है ना, पता नहीं कितनी है। फोन कैसे पकड़ती है, मतलब इसके समझ नहीं लगा। 100 का एक है भाई, तो क्रॉस नहीं होती है। तो गाइस आप लोग को मैं इतना बता दूं कि लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉबिन बास्किन आया तो कभी नहीं मिल सकती। मैं नहीं आ रही, कहाँ जा रहा है कैमरा? ये रही तुम, ये दिख रही छी तो बनाती। कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है क्योंकि अब घर जाके हालत नहीं है ब्लॉग बनाने की। बाय गाइस।